टेस्टी करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या खाया, मिर्ची, मिर्ची का भजिया। और 40 से 45 के आसपास, इतना गर्मी अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी जस्ट उठा हूँ और ये है आज का ब्लॉग, इससे शुरुआत हो रहा है। ये है मिट्टी का और ये है चाय, स्वादिष्ट हो। देखो इस चीज़ से शुरुआत होने वाला है आज। और हम लोग अभी यूपी में, यहाँ से लखनऊ है का, लखनऊ 78 किलोमीटर है। और बहुत दूर है, हम लोग को अभी भी 800-900 किलोमीटर ट्रेवल करना है। वाव, चाय मस्त है, लेकिन ये मिट्टी का है, ये मिट्टी से बना हुआ है। अफसरिया हुसैनपुर पहुंच के उत्तर प्रदेश में है। और ये देखो, हम लोग अभी खाना फिर से बना रहे हैं, सुबह का खाना। तो आज ये छोटा सा, ये मिनी गैस भाई लेके आया। क्या क्या वीडियो बनाता है, काम दाम तो करता नहीं है। हम लोग का काम वही है भाई, कम से कम कृष्णा कुछ तो काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। हम लोग आराम से बैठ के देख रहे हैं उसको, खाना बना के खिला रहा है, सो रहा है। देखो तो खाली वीडियो बनाते रहता है, कुछ काम नहीं है, काम नहीं है ना। लड़की के साथ बात करे, समझ रहे हो आप, नहीं कुछ काम नहीं है। अरे वाह, ये भाई पूरा बिजी है। और हम लोग आज नहाया ये वाला पेट्रोल पंप में, ये वाला पेट्रोल पंप में नहाया। ए भाई जल्दी जल्दी खाना बनाओ, खाना खाए के हम दिन भर फिर से गाड़ी चलाना है। आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, क्यों काम नहीं करो ना, जिस दिन काम करेगा उस दिन खाने के लिए मांगने के लिए आना। आज तुमको खाना नहीं देगा। आज बहुत सुंदर लग रहा है, आज नहाया ना एक महीना बाद में। अरे अबे साले, जब माफ करना मैं जो। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग खाना आना पेट पूजा करके निकल चुका है। तो अभी हम लोग का जर्नी रहेगा आज का लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक। तो अभी हम लोग खाना वाना यहाँ, क्या जगह का नाम क्या था, भूल गया मैं फिर से। आसमानपुर से हुसैनपुर ना, क्या था नाम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी लगभग 200 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, फिर उसके बाद रेस करेंगे फिर से। तो अभी हम लोग का डेस्टिनेशन रहेगा आज का देहरादून तक, और देहरादून से भी आगे जा सकते हैं। तो अभी तक तेल का खर्चा कितना आ गया बोलने से, 12,000 का तेल का खर्चा हो गया, और अभी फ्यूल है 1 स्टिक बचा है अभी। और यहाँ तेल का अभी इतना महंगा है, 107 रुपया, 108 रुपया। ये कौन सा, ये उत्तर प्रदेश में अभी पेट्रोल का 108 रुपया। और इससे भी ज्यादा, मतलब ऐसा लगा कि अभी सबसे सस्ता हम लोग का असम में है, असम में 100 से ऊपर नहीं है अभी तक। और बिहार में तो और उससे भी ज्यादा है, यहाँ से भी है ना, बिहार में लगभग 115 के आसपास आ गया। तो कल हम लोग ने फ्यूल टैंकी फुल किया था 115 से 35 लीटर या 40 लीटर के आसपास किया था। तो आगे देखते रहना गाइस वीडियो। मैं पहुंच गया आधा रास्ता। तो ये देखो, यहाँ सर्विसिंग वाला मशीन इसी से चलता है, तो वो बड़ा मशीन है, तो यहाँ से मोटर छोटा है। और इसका यहाँ का मतलब प्रेशर कम देता है, प्रेशर भी कम है हम लोग का वहाँ का जैसे नहीं। भाइयों और बहनों, हम लोग अभी क्या पी रहे हैं, गन्ने का जूस। यहाँ इतना गर्मी है, 40 के डिग्री में है, 45 आसपास ही है, 40 से 45 के आसपास, इतना गर्मी है। अभी एसी के अंदर में बैठा है, इसलिए बाहर निकालने नहीं सकते, फिर भी गर्म है एसी के अंदर में बैठा। एसी देने के बावजूद भी इतना गर्मी है, पूछो ही मत। हम लोग गांव देहात से शॉर्टकट मार रहे हैं देहरादून, हाईवे से नहीं जाके। समझ गए ना, और जंगल में टट्टी करने बैठ गया लोंडा, उसकी कार छिल गई। और तो और आपको एक बात बताए, लालू के देश में हम भी दो चार आलू फलाए, सोचे थे गए रात को बोतल लेके पोटी करने, तो लगाए से कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, कि वो
वो पोटी पोटी जा करने बैठा था मैं वहां तो काड़े की पेड़ तक चाल पिछवाड़े में चुप गया। ऐसा तो लालू के देश में बहुत के साथ होता है, हम तो पहली बार आए हैं। 97 पेट्रोल का दाम इधर। I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I would love it till forever, forever. Baby, baby, when you need someone to cover you. Cheese, samosa, michi, bhajiya, और ये कौन सा चटनी है? ये पुदीना। लो भाई किसका है? जाओ जाओ अपना 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 भागो। कैसे लग रहा है भाई? ठीक है ना, स्ट्रीट फूड है ये। स्ट्रीट फूड मालूम है। सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड घुसते, बॉर्डर एंट्री करते, हम लोग सबसे पहले क्या खाया? मिर्ची का भजिया, और ये है समोसा। तो ये वाला समोसा हम लोग असम में होने से इतना तेल डालता है और ऐसे मतलब गैस हो जाता है। ये समोसा ठीक है, सूखना समोसा है, मस्त है। लेकिन भाई खाने में बिजी है। देखो कैसे लग रहा है भाई समोसा। काम हो चुका है। ये देखो टाइम, देखो कितना हो गया भाई। टाइम देखो 6:07 बजने वाला है, फिर भी अभी देखो दिखा दो पूरा। अभी इवनिंग का मूड में, अभी इवनिंग बाइड है, चिल। अभी तो अगर मेरा गर्लफ्रेंड मेरे साथ होता तो अन गर्लफ्रेंड से तुम फटो उसके लिए दो। ठीक देखो ऐसी सुबह हम बार सुबह हम बियर चिल खाया तुम गामी हो बेटा। कैसा लगा मेरा मजाक? देख लाई रे बियर चिल गर्लफ्रेंड जिंग लुगुरा से डना। तुम बियर भी निकले गर्लफ्रेंड लगता नहीं। कल रात पता टोल लियो के सोया था। अरे ऐसे मत बोलो। कल रात तो 2 बजे तक गाड़ी चलाया मैं। सुनो ना, अभी यहाँ से 200 किलोमीटर है, ठीक है? नहीं नहीं 400। 400 किलोमीटर क्या कौन सा था वो फर्स्ट धाम? हाँ, यमुनोत्री मंदिर यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग 400 किलोमीटर रात को कवर कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। पक्का ना। मेरे साथ केदारनाथ का यात्रा में हमारा मित्र पूजनीय मिस्टर सभी लोग बैठे हुए हैं पीछे साथ में। मैं भी ये छोटू जो अभी कैमरामैन बना हुआ है। छोटू उमरांगसो का छोटू लड़का। यो इट्स हम सभी के लिए ये बहुत ही खुशी का टाइम है। दिन नहीं बोलूंगा मैं, टाइम है। जब खुशी का दिन होगा उस दिन हम केदारनाथ पे होंगे ना, उस दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा। सबका मतलब एक ख्वाहिश होता है, ठीक है, एम होता है। तो हम लोग तो कल नहीं, हम लोग लगभग मंडे, कल तो हम सारा दिन रेस्ट करेंगे। मंडे को हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड धाम को विजिट करेंगे। ट्यूजडे को हमारा टारगेट रहेगा केदारनाथ जाने के लिए, और वहाँ आप लोगों के लिए 2 या 3 दिन स्टे करेंगे हम ऊपर ही टेंट लगा के। पूरा 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग करेंगे पहाड़ के ऊपर। 22 किलोमीटर में तो इसका तेल ही निकल गया। मेरा तो ये निकला हुआ है, कहाँ मैं ट्रैकिंग कर पाऊंगा। वही डर थोड़ा सा, लेकिन मेरे साथ केदारनाथ बाबा है ना। है जरूर पक्का। तो टेंशन लेने का नहीं भाई लोग, आराम से चलेंगे। ठीक है। देखो यहाँ अभी टाइम हो रहा है, अभी 7 भी बजा नहीं, फिर 6:53 हो गया। 7 बजा रही, थोड़ा सा 6:53 में अभी क्या 4 बजे जैसे माहौल है। शायद हमारे डीमा असम में तो अभी तो लगभग अंधेरा हो चुका है, क्योंकि 7 बज गया है वहाँ। तो अभी सभी लोग अभी 100 किलोमीटर बाद हम लोग मैगी वेगी बना के खा के आज निकल जाएंगे, है ना। 100 किलोमीटर दूर जाएंगे और उसके बाद आराम से अभी 50 किलोमीटर के आसपास में चाय वाय पियेंगे, फिर से रास्ता तो हो गया ना। ठीक है भाई, आगे कंटिन्यू वीडियो लास्ट तक एंड तक देखते रहना गाइस।
आप लोग लाइक नहीं करते यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार, शेयर भी करो ना यार, शेयर भी करो यार, आप लोग, आप लोगों के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो ड्राइविंग के 26+100 किलोमीटर ट्रेवल करके वीडियो बना रहा है, हमारे सपने साथ साथ, हमारे सपने के साथ साथ आपके लिए भी एक सुंदर सा नजारा लेके आए। आप करना है ना, आपको भी तो कुछ करना है। दबा दो, दबा दो, नीचे वाला लाल बटन को दबा। क्या करूं दोस्तों, ये देखो ट्रैफिक जैम है यहाँ। अभी हम लोग लगभग 200, अभी 250 किलोमीटर बचा है ना भाई, और 250 किलोमीटर। कौन सा मंदिर का नाम कौन सा था? यमुनोत्री फर्स्ट धाम है हम लोग का। तो अभी हम लोग वहाँ तक जाएंगे, आज तो जाने नहीं पाएगा वहाँ ना, रास्ता में कैंप साइट ढूंढ के कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे। कल के लिए 50 किलोमीटर छोड़ेंगे, आज 200 किलोमीटर यानी कि 200। अभी टाइम हो चुका है 11 बज। गाइस ये देखो, अभी यहाँ ना ठंडा का, अभी ठंडा शुरू हो गया यहाँ से, ठंडा का मौसम। अभी पहाड़ी इलाका आ गया, पहाड़ी इलाका, और गाड़ी तो ठंडा ही है। अभी नॉर्मली चल रहा है 30-60 स्पीड में, 34 स्पीड, 50 स्पीड, इतना स्पीड में चल रहा है ना भाई। आराम से अभी 200 किलोमीटर जाएंगे, फिर उसके बाद कैंप साइट ढूंढ लिया भाई, कैंप साइट देख रहा है ऑनलाइन, रास्ते में कैंप साइट वैम्प साइट ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद कैंपिंग करेंगे। अभी टाइम हो चुकी 11 बज गया, अभी 11 बज गए, तो अभी तो हम लोग 2 बजे तक ट्रेवल करेंगे, चाहे अच्छा मतलब 200 के आसपास ट्रेवल करेंगे, फिर उसके बाद है ना छोड़ देंगे 50 किलोमीटर कल सुबह के लिए, क्योंकि साइट सीन देखना है। सुबह से हम लोग क्या के लिए आया है, वही देखने के लिए, तो रात को ट्रेवल करेंगे तो सब ट्रेवल करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी एक ड्राइवर सो रहा है, तो ड्राइवर सो रहा है इसका मतलब नहीं कि हम लोग ट्रेवल कर देंगे पूरा, लेकिन कल सुबह के लिए भी 50 किलोमीटर छोड़ देंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी।